हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी के सभी। तो वेलकम है अपनी एक और नई सीरीज में। तो गाइस ये वाली सीरीज जो होने वाली है अपने फाइनल बॉस के ऊपर होने वाली है। जिसको नहीं पता भाई फाइनल बॉस कौन है, वो है किंग डेविल का बेटा लोरेंजो। उसी के ऊपर सीरीज होने वाली है, उसकी पूरी बैक स्टोरी दिखाएंगे हम इसमें। और हाँ, जो अपनी प्रेजेंट टाइम की स्टोरी चल रही है उसका और इसका टाइमलाइन अलग अलग है। मेन स्टोरी अपने अभी की टाइमलाइन की है और ये लोरेंजो की जो सीरीज है ये पास्ट के टाइम की है। तो कंफ्यूज मत होना जिनको भी नहीं पता। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो चलिए यार देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे रेस में जीत सकते हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तुम्हें याद ही होगा पिछले हफ्ते मुझे गोल्ड मेडल मिला था रनिंग में। मेडल से क्या होता है, वो तो मैं भी जीत सकता हूँ, पर मैं अपनी बीमारी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई बात नहीं, आज देख लेंगे कि तुम जीतोगे कि मैं। इमोट खत्म होने के बाद हम दोनों रनिंग करेंगे, समझ गए? हाँ समझ गया। मेड से आगे निकलना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। सच में पूरा बेवकूफी है ये, इसको लगता है कि ये मेरे से रेस में आसानी से जीत जाएगा। खैर छोड़ो, अभी हराता हूँ इसे। अरे ये क्या, ये मेरे से पहले कैसे पहुंच गया? अब तो हार मानते हो ना? ये पूरी चीटिंग है, तुमने अपनी पावर्स फिर से यूज करी है जबकि ये नॉर्मल गेम चल रहा अपना। अरे तो तुमने कौन सा कहा था कि पावर यूज नहीं करनी? अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए ना, मेरे पास तुम्हारी जैसी पावर्स नहीं है, मैं तुम्हारी जैसे इतना तेज नहीं भाग सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो इस बात को, चलो फिर से रेस करते हैं, इस बार बिना पावर्स के हराऊंगा। छोड़ो अब, तुमने पूरा मूड खराब कर दिया, अब मेरा रेस करने का मन नहीं कर रहा। बेटा तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे ये क्या, तुम्हारी माँ यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यहाँ आने से, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। आखिर आ ही गए ना इस लड़के के साथ खेलने, आखिर तुम चाहते क्या हो, हमें चैन से रहने दोगे या नहीं? अरे माँ क्या हो गया, हम तो बस यहाँ पे खेल रहे थे और क्या। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, इधर आओ अभी बताती हूँ। हाँ बोलिए क्या हुआ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस लड़के के साथ नहीं खेला किया करो, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। आपको तो पता ही है वो मेरा एक लौता दोस्त है, उसके साथ खेलने नहीं आऊंगा तो फिर मैं घर में बैठा बैठा बोर हो जाऊंगा। तुम्हें पता है ना उसे कितनी बड़ी बीमारी है, अगर तुम्हें उससे लग जाए तो तुम्हें भी लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, और उसकी फैमिली भी ऊपर से बहुत अजीब है। अरे उसकी बीमारी मुझे कैसे हो जाएगी, USB केबल थोड़ी ना है कि इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, और उसकी फैमिली से मुझे क्या, मैं तो अपने दोस्त के साथ खेलने आया हूँ। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसके बाप के बारे में सुना है, सब कहते हैं कि वो मर्डर करता फिरता है। मैं नहीं चाहती कि अब से तुम इसके साथ खेलो, अब चुपचाप घर चलो। लोरेंजो क्या तुम घर आ गए? हाँ माँ आ गया मैं घर। ठीक है फिर, अब जल्दी बताओ कि खाने में क्या खाओगे, लगता है फिर कोई बात हुई है। चलो जल्दी से बताओ आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब है। मुझे समझ में नहीं आता मेरी दोस्त की माँ मेरे से इतना नफरत क्यों करती है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्या कहा उन्होंने? वही कहा कि मेरी बीमारी ऐसी है, इसके साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, इसकी फैमिली कितनी ज्यादा अजीब है, इसका बाप तो मर्डर करता फिरता है। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा वहाँ पे। बेटा तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान है, उन पर किसी ने झूठे इल्जाम लगाए हैं जिसकी वजह से उनका नाम खराब हो रहा है, और इन सब के लिए तुम्हें बातें सुननी पड़ती हैं। पर मेरी बीमारी का क्या, इसका इलाज क्यों नहीं करवाते आप लोग? इसकी वजह से मैं स्कूल में किसी से बात नहीं कर पाता, ना कोई मेरा दोस्त बनता, सब दूर चले जाते हैं मेरे से। इसके लिए मैं और तुम्हारे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, जल्द ही तुम्हें ठीक कर देंगे। बस तंग आ गया हूँ मैं ये झूठ सुन सुन कर, मुझे नहीं करनी आपसे बात और नहीं चाहिए खाना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। पर बेटा बात तो सुनो, अरे खाना तो खा के जाओ, अब इसे मैं कैसे समझाऊं?
हाँ आई। आज तो तुम्हें बहुत देरी हो गई घर आने में। हाँ वो काम थोड़ा ज्यादा था इसीलिए। आज घर इतना शांत क्यों है? लोरेंजो आया नहीं क्या बाहर से अभी तक, या फिर कोई बात हुई है आज भी? दरअसल इसकी दोस्त की मम्मी ने तुम्हारे बारे में और इसकी बीमारी के बारे में जो कुछ कहा वो इसने सुन लिया। क्या मेरे बारे में? कौन सी बात? अरे वही सारी बकवास कि तुम एक खूनी हो और हमारा बेटा कभी ठीक नहीं हो पाएगा, यही सब। इसी वजह से वो काफी दुखी है और अपने कमरे में जाकर सो गया बगैर खाना खाए। पता नहीं कि ये औरत हमसे चाहती क्या है। खैर छोड़ो, लोरेंजो से जाके बात करता हूँ मैं अभी। अब तुम्हें क्या हो गया? ऐसे गुस्सा होके क्यों लेटे हुए हो? चलो नीचे चल के खाना खा लो। मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ लेते। आपको पता है मुझे क्या क्या सुनने को मिलता है इसकी वजह से। हाँ मुझे पता चला उस औरत के बारे में। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद वो औरत तुम्हें कभी उल्टा नहीं बोल पाएगी। पर तुम चल के कुछ खा तो लो कम से कम। मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। जब भूख लगे आ जाना तुम नीचे। क्या हुआ, कोई बात बनी? उसे कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दो, वो खुद ठीक हो जाएगा। मगर उस औरत से भी बात करनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि आगे से सोच समझ कर हमारे बेटे के सामने बोले। हाँ सही कहा तुमने। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है बेटा, आराम से जाना स्कूल। ये है उस औरत का घर, अभी बात करता हूँ इससे। घर पे कोई है? अरे अब कौन आ गया? तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? दरअसल मैं लोरेंजो का बाप हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है उसके बारे में। लेकिन उसकी बियर्ड तो ब्लैक है, तुम्हारी वाइट कैसे? लगता है जल्दी बुढ़ापा आ रहा है। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए तुमसे बात करने को, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? हाँ अब आ सकते हो अंदर। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें अपने बेटे के बारे में? देखो कल तुमने जो कुछ भी लोरेंजो के आगे बोला था उसने वो सब सुन लिया है, और इसकी वजह से वो काफी परेशान है और अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ रहा है। अगर सुन भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे कारनामे की खबर तो बाहर वैसे भी छपते ही रहती है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं सब अच्छे से जानती हूँ, पता नहीं तुम्हारी वाइफ अब तक तुम्हारे साथ कैसे है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पागल है वो जो उसे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा ये सब। उसे मेरे पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है, उसे पता है कि मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जिस दिन उसे पता लग गया ना उस दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएगी, देख लेना। मैं यहाँ पे आया था तुम्हें प्यार से समझाने के लिए, पर तुमने ये बोलकर हद पार कर दी है, इसीलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मजाक हो गया हो तो अब तुम यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर ये चीज है क्या? ये क्या हो रहा है? नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे वाइफ और बेटे के बारे में बोले। तुम्हारी यही सजा है, ऐसे ही मरो तुम। अरे ये तो यहीं पे खड़ा हुआ है, मुझे लगा कि ये बीमार है इसीलिए इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। ओए रोहन, आखिर तू इधर कर क्या रहा है? ये क्या, लोरेंजो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे? वो दरअसल मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ रहा था। क्या ये कैसे हुआ? कुछ दिनों पहले तक तो वो ठीक थी, उस दिन जब मैं स्कूल से घर आया
तब मैंने देखा उनकी पेटी बन चुकी थी और हर जगह आग फैली हुई थी। बाकी लोगों ने कहा गैस की वजह से हुआ ये सब। मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि इतनी जल्दी ये सब हो गया। अब आगे तुम क्या करोगे? स्कूल आओगे कि नहीं? नहीं, मैं अब नहीं आऊँगा स्कूल। ये सब बंद करके मैं अपने दादा दादी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया दोस्त। अगर तुम्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, मुझे ज़रूर याद करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया लोरेंजो। चलो बाय, फिर मिलते हैं बाद में कभी। हाँ ठीक है। माँ मैं घर आ गया, खाना लगा दो प्लीज। माँ कहाँ हो आप? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? लगता है वो घर पे नहीं है, बाहर गई होंगी शायद सामान लेने। जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ अब। ये क्या? अरे पापा, आप इतनी जल्दी काम से आ भी गए? हाँ वो काम जल्दी पूरा हो गया था तो आ गया। पापा आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। जो मेरी दोस्त की मम्मी थी ना, जिन्होंने उस दिन मुझे उल्टा बोला था, उनकी मौत हो गई है कुछ दिनों पहले। क्या? ये कैसे हुआ? कुछ दिनों पहले तक तो वो औरत ठीक थी, अब एकदम से कैसे मर गई? शायद गैस की वजह से हुआ होगा, पर इसकी वजह से मेरा दोस्त काफी ज्यादा दुखी है और ये जगह छोड़ के अपने दादा दादी के पास जा रहा है। अरे फिक्र मत करो तुम, वो कुछ दिनों बाद ये सदमे से भी बाहर निकल जाएगा। और अब वैसे भी वो औरत तुम्हें कुछ सुना नहीं पाएगी उल्टा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मगर वो मेरे दोस्त की माँ थी, जैसी भी थी पर उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। अरे ये सब फिजूल की बातें हैं, जो लोग बुरे होते उनके साथ ऐसे ही होता है। चलो अब मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम से सोने दो। अच्छा ठीक है, आप सो जाएं फिर। पापा ने पता नहीं ये सब क्या सोच के बोला, उनके अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं है किसी के लिए। ये क्या? अब ये कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बोल रहे थे कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब एकदम से कहाँ जा रहे हैं? लगता है कुछ तो बात है जो हमसे ये छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस दिन कहा भी था कि वो औरत आज के बाद मुझे परेशान नहीं कर पाएगी कभी भी। कुछ तो बात है, जाके पीछा करता हूँ जल्दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कपड़े बदल कर यहाँ पे करने के आए हैं, यहाँ पे तो कोई भी आता जाता नहीं है। जाके देखता हूँ किससे मिलने के लिए आए हैं। आखिर ये यहाँ पे अकेले क्यों खड़े हुए हैं? अरे ये क्या? ये बंदा कौन है और ये एकदम से कैसे आ गया यहाँ पे? सैटन, जो मैंने काम तुम्हें बोला था वो हुआ कि नहीं? उसी में लगा हुआ हूँ बस, पर मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो बंदा है कौन जिसका भविष्यवाणी में जिक्र किया गया था। जल्दी ढूंढो उन्हें, क्योंकि 1000 साल पूरे होने वाले हैं। भविष्यवाणी में कहा था कि उसके दोस्त और वो मिलकर मुझे मारेंगे। कब ढूंढोगे तुम उन्हें? जब वो मुझे मार जाएंगे तब? फिकर मत करो बॉस, मैं ढूंढ लूंगा उन सभी को, आप बेफिक्र रहें। ये बताएं कि उस फैमिली के साथ कैसा चल रहा है आपका रिश्ता? अब क्या बोलूं तुम्हें, एक तो मेरे बेटे की बीमारी जो कभी सही होने का नाम ही नहीं ले रही, और ऊपर से वो औरत जो उसको हमेशा उल्टा बोलती रहती थी, उसकी वजह से काफी दिमाग खराब हुआ मेरा। क्या? कौन सी औरत? कुछ समझा नहीं मैं। अरे मेरे बेटे की दोस्त की माँ, वो उसे हमेशा उल्टा बोलती रहती थी फैमिली के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में, इसीलिए मैंने उसे ठिकाने लगा मारा। क्या? ये क्या कह रहे हैं ये? मतलब इनकी वजह से वो मरी है? बॉस आपको भी पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता आप इतनी सारी चीजें छोड़कर एक छोटी सी फैमिली में क्यों रहने लग गए। दरअसल वो औरत मेरी कमजोरी है, उसे जब मैंने पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, और ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। पर उस औरत में कुछ तो बात थी जिसकी वजह से वो मुझे खास लगी, बस जब ये सब छोड़कर मैं उसके साथ रहने लग गया, और कभी उसे ये नहीं बताया कि मैं एक डेविल हूँ। इसका मतलब ये हमें इतने दिनों से धोखा दे रहे हैं, एक डेविल हमारी फैमिली में है, हमें पता ही नहीं। समझ सकता हूँ बॉस आपको,
इसीलिए मैंने ये सारी चीजें हैंडल कर रखी हैं। और आप फिक्र मत करें, आपके बेटे का जल्दी इलाज हो जाएगा और उन लोगों को भी मैं ढूंढ लूंगा जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। बहुत अच्छे सैटन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो अब लग जाओ अपने काम पे। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे साथ इतने दिनों से रह रहा है वो एक डेविल है और माँ को ये सब बात पता भी नहीं है। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा तो वेट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।